जय माता दी। माँ को लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, माता रानी की सौगंध खाता हूँ। अगर आज आपने ये पान का उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति, महाशक्ति, करोड़पति होने से रोक नहीं सकती। आप महाधनी हो जाओगे, धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाओगे। नवरात्रि में जो आप 9 पान लाते हैं उसका क्या करें, हो जाओगे लखपति करोड़पति। देखिए, 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं जो कि 11 अक्टूबर तक चलेंगे। तो आपको नवरात्रि में मैं आप लोगों को पान का जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। यह उपाय करके आपके घर में रखी लकड़ी भी सोने की हो जाएगी। बस ये उपाय सच्चे दिल से ही करना है। पान का विशेष उपाय खासकर माता रानी को बहुत प्रिय होता है। आज हम पान के 10 जबरदस्त उपाय बताएंगे। 10 में से आप कोई भी एक उपाय कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप विजय हो जाएंगे। घर में दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्की होगी। चारों दिशाओं से धन दौलत रुतबा पैसा घर में खींचा चला आएगा। एक एक करके हम सभी उपाय बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। जो पान है, जिसे हम तांबुल बोलते हैं, इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके लंबे समय से पूछ रहे थे कि गुरुजी, सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई उपाय बता दीजिए, मनोकामना पूर्ति करने वाला कोई टोटका बता दीजिए, तथा सरकारी नौकरी, दुश्मन पर विजय प्राप्त, ग्रह दोष दूर करने के लिए उपाय बता दीजिए। तो पान से ही समस्त प्रकार की मनोकामना, समस्त प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने का अब जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को हम पान, इलायची और लौंग डाल करके जरूर अर्पित करते हैं। पान क्यों चढ़ाते हैं? पान चढ़ाने के बहुत सारे रीजन होते हैं, पान चढ़ाने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो जो तांबुल होता है, जिसे संस्कृत में हम तांबुल बोलते हैं, हिंदी में पान बोलते हैं, जो पान है, इसके अंदर में अनगिनत चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। बड़ी से बड़ी सिद्धि, बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। पान के माध्यम से अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अनेक प्रकार की अपनी जो कामना है उसे पूरा कर सकते हैं। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको पान को साधारण नहीं समझना है। पान के अंदर में अनगिनत चमत्कारी शक्तियां होती हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, आइए अब जानते हैं तांबुल के उपाय। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिख देना। जो तांबुल है, जो पान है, ध्यान से सुनिएगा। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इसी की मैं जानकारी बताना शुरू करूंगा। 3 से 4 इसके प्रयोग बताऊंगा। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, या फिर मंत्र में बीच में किसी भी प्रकार का जाप करते हैं, उसमें खंड हो जाती है, खंडित हो जाती है। आप चाहते हैं कि आपको मंत्र कम जपना पड़े और आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो गुरु परंपरा से चला आ रहा पान का एक गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग आपको किसी दूसरे को बताना नहीं है, बस अपने तक सीमित रखना है। इस प्रकार की जो अमूल्य जानकारी होती है, यह अपने तक सीमित रखनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग मुझे गुरु मानते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूं। तो साथ में स्वच्छ आपको एक पान का पत्ता लेना है, और पान के पत्ते में, जो पान के पत्ते का निचला हिस्सा होता है, उसमें आपको शहद लगाना है। पान के पत्ते को पहले सर्वप्रथम तो आपको धो लेना है साफ पानी से, फिर जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको शहद लगाना है, शहद चिपड़ना है। दोस्तों, उसके बाद जो भी आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाए, जल्दी से सिद्ध हो जाए और मंत्र रिजल्ट देना शुरू कर दे, तो नवरात्रि के 9 दिन तक इस प्रकार के पान के पत्ते नव दुर्गा माता को चढ़ाना है, क्योंकि नव दुर्गा माता को शक्ति कहा जाता है, सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी सिद्धि के बिना कोई भी देवी देवता उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, वो स्वयं सिद्धिदात्री है। सभी प्रकार की हमें सिद्धि, सभी प्रकार के हमें भोग प्रदान करती है। बस जो भी मंत्र आप जप रहे हैं, वो मंत्र आपको जपना है और माता रानी को एक आपको शहद लगा हुआ पान भेंट कर देना है। 9 दिन में देखना वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो 3 दिनों में ये उपाय करने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको तीव्र इसका प्रभाव चाहिए तो 9 दिनों तक आपको ये उपाय अवश्य करना है। जो भी मंत्र जाप करते हैं, उस जप की सिद्धि के लिए अब जैसे नमाड़ मंत्र हो जाते हैं, भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के भी कहे जाएं तो मंत्र हो जाते हैं, भगवान राम का भी मंत्र हो जाता है जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, साबर मंत्र आ जाते हैं, साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये उपाय अवश्य करिएगा। तीव्र रूप से यह अपना रिजल्ट देता है। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को मनोकामना पूर्ति करने वाला जबरदस्त पान के माध्यम से गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। सर्वप्रथम आपको पान के पत्ते को पीस लेना है और इसका रस आपको अच्छे से तरीके से निचोड़ लेना है, निकाल लेना है।
जानकारी बताने से पहले किस प्रकार से इसका क्या करना है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखना। तो पत्ते का आपको रस निकाल लेना है और इसके रस से भोजपत्र में आपको मनोकामना लिखनी है। एक कोई भी आपको मनोकामना लिखनी है और इसे आपको नवरात्रि में माता रानी को चढ़ा देना है। मात्र एक महीने के भीतर में आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जबरदस्त ये पावरफुल प्रयोग है, क्योंकि पान को साधारण मत समझना। इसके बारे में कभी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि पान की जड़ में कौन सी शक्ति समाहित होती है, पान को देवी स्वरूप क्यों कहा गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका तीसरा प्रयोग बता रहा हूं। तो आप में से अधिकतर लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारे घर में लड़की है, हमें पुत्र चाहिए, इसके लिए हम क्या करें। तो पान में गुड़ डाल करके, ध्यान से सुनिए, पान के पत्ते में गुड़ डाल करके गौ माता को खिला देने से संतान की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो 100 वो फायदा आपको देगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें आकस्मिक धन चाहिए। आकस्मिक धन क्या होता है? जैसे कि गिरा हुआ धन प्राप्त होना, अचानक से लॉटरी लगना, तो उसे हम आकस्मिक धन कहते हैं। तो माता रानी को क्या चढ़ाए? तो पान के पत्ते में शक्कर डालकर के, ध्यान से सुनिएगा, पान के पत्ते में शक्कर डालकर के अगर नवरात्रि के किसी भी दिन नव दुर्गा माता को भोग स्वरूप आप भेंट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो इस उपाय से हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, इस उपाय से बिल्कुल ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। वो धन आपको किसी ना किसी माध्यम से मिलेगा, वो आपके कर्म पर भी निर्भर करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ज्यादा रकम भी मिल सकती है। मैं आपको पान का अंतिम प्रयोग बता रहा हूं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार बार हमें बोलते हैं, गुरुजी हमारा जो घर है भारी भारी पन लगता है, हमारे घर में बहुत बड़ा तंत्र विकार कर दिया है, तंत्र बाधा कर दी है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, तो इससे बचने के लिए नवरात्रि में कोई उपाय बताना है। इस प्रकार से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, हमने रीड करके देखा है। तो आपको पान में, कितने पान में आपको एक बताशा डालना है, ध्यान से सुनिएगा, पान में आपको एक बताशा डालना है और एक मैं माता रानी का बीज मंत्र बता रहा हूं। ये बीज मंत्र बोलते हुए पान में आप बताशा डालेंगे और इसे आपको आग में जला देना है, या गोबर के कंडे की आग भी बना सकते हैं। दोस्तों, हिलिन हिलिन, ये आपको कितने हिलिन आपको 21 बार बोलना है। हिलिन नहीं, ये आपको हिलिन बोलकर के इसे आग में जला देना है। 21 बार आपको बोलते हुए आग में जला देना है तो आपके घर में जितनी भी संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां हैं सबको खींच करके, ये मंत्र खींच करके बतासे में डाल देंगे और भस्म कर देंगे। दोस्तों, आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपका घर पवित्र हो जाएगा। जितनी भी शत्रु ने तंत्र क्रिया की है वो शत्रु पर ही वापस पलट जाएगी। जबरदस्त पावरफुल प्रयोग है, ना इसमें आपको मंत्र जाप करने की जरूरत पड़ रही है, ना तंत्र जाप करने की जरूरत पड़ रही है, साधारण सा उपाय है पान का। दोस्तों, अब जानते हैं महाविशेष उपाय, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने पान का यह उपाय कर लिया तो आपको विजय होने से, धनवान होने से, करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। स्वयं जगदम्बा माता रानी, जगत मां, आपको धन धान्य से मालामाल कर देंगी। बस कर लेना पान का यह उपाय। देखिए, सबसे पहले तो आपको माता रानी के लिए 9 पान लेना है और इन 9 पान को संपूर्ण तरीके से माता रानी के लिए सभी सामग्री डालकर पान बना लेना है, बीड़ा बना लेना है। आप चाहे तो बाजार से रेडीमेड भी पान ला सकते हैं, लेकिन आपको 9 पान सभी सामग्री सहित पंसारी की दुकान से ले आना है, पान को बनवा लेना है। और हां, हर एक पान में लौंग और एक एक इलायची जरूर डाल देना। दोस्तों, अब आपको क्या करना है वह हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। देखिए, अब जो आपने 9 पान लिए हैं, इन्हें आपको नियम के वृक्ष के नीचे में वहां पर आपको रखाना है, माता रानी को अर्पित कर देना है, माता वैष्णो को अर्पित कर देना है। पान अर्पित करते समय मां का जयकारा अवश्य लगाएं, मन में बोले अपनी सभी इच्छाएं और 108 बार यह मंत्र जरूर बोले, AUM ही क्लीन चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र आपको हर हाल में बोलना है, नहीं तो जो आपने पान अर्पित किए हैं उसका फल व्यर्थ चला जाएगा। मैं माता वैष्णो की सौगंध खाता हूं, आप विशेष तौर से महाधनी हो जाओगे, कंगाल व्यक्ति भी करोड़पति हो जाता है। दोस्तों, खासकर नवरात्रों में माता नव दुर्गा की शक्ति नियम के वृक्ष में आ जाती है। माता दुर्गा मां जगदम्बा काली माता की समस्त शक्ति नियम वृक्ष में होती है और 9 देवियां नियम के वृक्ष में अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। खासकर नियम के नीचे माता नव दुर्गा का वास होता है। इस समय जितना ज्यादा हो सके नियम वृक्ष की सेवा करें। नियम के वृक्ष में स्वयं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली का वास होता है, माता वैष्णो का वास होता है, शक्तियों का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है। दोस्तों, यह उपाय करके आज हम भी महाधनी हो गए हैं, हमारे घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। आज मेरे पास भी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है। मात्र ये उपाय करने से कोई भी गरीब नहीं रहता,
बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों एक और पान का उपाय बता रहा हूं। संतान प्राप्ति हेतु अगर कोई भी स्त्री माता रानी को 21 पान में एक बताशा डालकर तथा 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 हरी इलायची अगर माता रानी को अर्पित कर दें तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। आप अपने घर में बने मंदिर में माता रानी को पान अर्पित कर सकते हैं या बाहर मंदिर में भी 21 पान अर्पित कर सकते हैं, लेकिन याद रहे खाली पान अर्पित मत करना। पान के ऊपर लौंग, बताशे, इलायची तथा सुपारी जरूर डाल देना। फिर देखना आपके घर में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी आपके आंगन में गूंजेगी, आपकी गोद में खेलेगी, एक संतान आपके घर में उत्पन्न होगी। और जो मंत्र अभी हमने आपको बताया था वही मंत्र 108 बार बोल देना, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और ये बात हम आपको कॉपी पर लिख कर भी दे सकते हैं, ये कोई हवा हवाई बात नहीं कह रहे हैं हम, यह बात हम साक्षात कॉपी पर लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों हर मंगलवार या शनिवार के दिन स्नान करके मंदिर जाकर भगवान बजरंग बली को पान का बीड़ा अर्पित करें तो इस उपाय से हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी परेशानियों का बेड़ा उठाते हैं। रविवार के दिन पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलने से रुके हुए सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं। दोस्तों शास्त्रों में कहा जाता है कि पान के पत्ते पर कपूर रखकर नवरात्रों में माता रानी की आरती करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली आती है। हालांकि पूजा के लिए पान के पत्ते खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि उसमें छेद अथवा कटाफटा ना हो और पत्ते सूखे ना हो, वरना इससे व्यक्ति की पूजा पूर्ण नहीं होती। पान के पत्तों को ताजगी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार पान के पत्तों का उद्भव समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल इस मान्यता के आधार पर भी किया जाता है कि पान के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है, निवास होता है। पान में शक्तियां होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं। जो मनुष्य माता रानी को पान अर्पित करता है उसके घर में धन संपदा तथा उस व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और नौ निधि की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आपके ऊपर किसी कारणवश पाप लग गया है, दोष लग गया है, तब ऐसे में पान का दान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को पिछले और इस जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में किसी भी दिन किसी गरीब को पान का दान करने से लाभ होगा। पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो उसे पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर खिला दे, नजर आसपास भी नहीं भटकेगी। तो आशा करता हूं पान संबंधित जितनी भी नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय बताया हूं, ये उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। और हां वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए।